हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसमें निकटतम मान का जोड़ना जानेंगे। अब इसको जोड़ते कैसे हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग तो सीख लिए हैं कि निकटतम मान ज्ञात कैसे किया जाता है। अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे निकटतम मान का जोड़ना और घटाना। तो पहले हम लोग जोड़ना सीखते हैं, दहाई वाला, सैकड़ा वाला और हजार वाला, इनका हमें जोड़ ज्ञात करना है। तो पहले हमें तो आकलित योग निकालना है, उसके बाद फिर हमें वास्तविक योग निकालना है। पहले इसका आकलित योग क्या होगा और उसका फिर वास्तविक योग क्या होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 63 + 39। तो सबसे पहले हमें लिखना है संख्या, उसके बाद फिर चूंकि ये दहाई वाला है तो दहाई का निकटतम, दहाई का निकटतम लिखेंगे। संख्या क्या दिया हुआ है, 63 और ये 39, ठीक है 39। अब इसका दहाई का निकटतम मतलब इसका निकटतम मान क्या होगा, तो 63 का क्या हो जाएगा, यहाँ पास 60 हो जाएगा क्योंकि 65 से कम है, और ये 39 का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा क्योंकि ये 35 से अधिक है। ये हुआ इसका निकटतम मान, ठीक है। अब इसका हमें आकलित योग निकालना है और वास्तविक योग। तो यहाँ पास हम सबसे पहले आकलित योग करेंगे। आकलित योग करेंगे मतलब सबसे पहले ये इधर का आकलित योग, ये क्या है, 60 और 40 आकलित संख्या है। आकलित संख्या है तो हम लिखेंगे यहाँ पास 60 और यहाँ पास लिखेंगे 40 और इन दोनों को जोड़ देंगे। ये हुआ 0 और ये 4 6 4 10 हुआ, इतना कितना आया यहाँ पास, 100 आया। अब यहाँ पास निकालते हैं वास्तविक योग, वास्तविक योगफल, योग या योगफल, ठीक है। अब इतना हुआ, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं इधर, अब इसका वास्तविक संख्या कितनी दी गई है, 63 और 49, वास्तविक संख्या ना इतना है। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12 12 की 2 हासिल, यहाँ पास 1 है, या 6 3 9 1 10, तो यहाँ आया आंसर 102। अब यहाँ पास हम यहाँ कंपेरिजन करना है दोनों के बीच कंपेरिजन करना है। यहाँ पास 100, ये आकलित योग है 100 और ये वास्तविक योग है 102, तो इसमें सिर्फ कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, अतः ये हमारा ये निकटतम मान वाला सवाल सही है। इसमें कितना का अंतर है, सिर्फ 2 का अंतर है, ठीक है। इस प्रकार से हमें निकटतम मान की दहाई वाला जोड़ना बनाना है। अब चलिए 3 अंक वाला बनाते हैं, ये 378 और 216 वाला। अब यहाँ पास देखना है सैकड़ा वाला पहले से बना के मैं रखी हुई हूँ इसको, 378 + यहाँ पास कितना दिया है, 216। अब हमें संख्या पहले लिखनी है, उसके बाद फिर सैकड़े का निकटतम लिखना है, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा ही सैकड़ा वाला है। तो 378 का निकटतम मान कितना हो जाएगा, 400, और 216 का निकटतम मान कितना हो जाएगा, 200। चूँकि यहाँ पास हमें किससे फाइंड करना है, 350 से, और इसको 250 से फाइंड करना है, ठीक है, बीच की स्थिति जानना है। तो इतना हुआ, फिर इसका आकलित योगफल, चूँकि इतना निकल गया, अब इसका आकलित योगफल 400 200 को जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा, और यहाँ पास 378 और 216 को जोड़ेंगे तो 594 हुआ। तो यहाँ पास कितने का अंतर है, इन दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंट है ना, इसमें कितने का डिफरेंट है, यहाँ पास हम लोग घटा के देख लेते हैं, घटा लेंगे यहाँ पास 10 में से कितना गया, 4 गया, 6, और यहाँ पास ये कितना बचा, ये इसको इससे उधार ले लिए थे पूरा 59, तो इसमें कितने का डिफरेंट है, 6 का डिफरेंट है। अतः ये आकलित योगफल और वास्तविक योगफल ऐसी बनी हमारी, ठीक है। इतना समझ में आया आपको जोड़ वाला। आप चलिए हजार वाला संख्या को जोड़ करके देखते हैं, उसका वास्तविक एवं आकलित योग निकालते हैं। अब यहाँ पास देखिए, ये 4 अंकों वाली मतलब ये हजार वाला, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, देखिए 1700
89 और 1436 दिया हुआ है। अब इसका हमें आकलित योग और वास्तविक योग निकालना है। सबसे पहले हमें संख्या लिखना होगा। संख्या ऐसे लिखें, संख्या इसको इस वास्तविक संख्या को लिख देना है हमें। और यहाँ पास अब हजार का निकटन, क्योंकि ये हजार में है तो हजार का निकटतन, निकटतन। अब यहाँ पास देखना है ये किसके ज़्यादा पास है। 1789 है, ठीक है, तो यहाँ हमें 1500 से कंपेयर करना है। तो 1500 से अधिक है ये, ठीक है, 1500 से ये संख्या अधिक है ना, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, ये 2000 के निकटतन आ जाएगा। और यहाँ 1436 है, मतलब 1500 से कम है, तो ये किसके निकटतन आ जाएगा, 1000 का निकटतन आ जाएगा। अब इसका हमें आकलित योगफल निकालना है। आकलित योगफल, आकलित योगफल निकालना है, तो आकलित संख्या ये है 2000 और ये 1000, इनको जोड़ देना है, 0 0 0 और ये 3, इतना आया। और वास्तविक योगफल निकालना है, वास्तविक योगफल, वास्तविक योगफल, वास्तविक संख्या कितनी दी हुई है, 1789 और यहाँ पास 1436, अब इसको जोड़ देंगे, 6 और 9 कितना हो जाएगा, 6 9 15, 15 की 5 हासिल 1, यहाँ पास 9 10 11 12, 12 की 2 हासिल 1 आया, फिर ये 7 1 8, 8 9 10 11 12, 12 हुआ, 12 की 2, और ये हासिल 1 आ गया, और यहाँ पास ये हो गया 3, ठीक है। और यहाँ पास आप देखिए, इन दोनों में अंतर देखिए आप, इन दोनों में ज़्यादा का डिफरेंट नहीं है, सिर्फ 225 का डिफरेंट है, ठीक है, 3000 में 3225, तो 225 का डिफरेंट है। इस प्रकार हमें दहाई, सैकड़ा और हजार का निकटतन मान का क्या निकालना है, जोड़ना, वो आकलित जोड़ और वास्तविक जोड़ हमें ज्ञात करना है। आई होप आपको ये जोड़ना समझ में आया होगा। चलिए आप देखते हैं निकटतम मान का अंतर घटाना। अब यहाँ पास देखिए, हम लोग इधर पढ़ेंगे निकटतम मान का घटाना। अब जोड़ना तो हम लोग सीख ली निकटतम मान वाला, अब घटाना सीख रहे हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, 36 प्लस 28 का निकटतम मान का आकलित अंतर एवं वास्तविक अंतर निकालना है। हमें एकदम सेम वैसे ही प्रोसेस करना है। संख्या सबसे पहले लिखेंगे, संख्या, और यहाँ पास दहाई का निकटतम, क्योंकि ये 2 अंक वाला है इसलिए ये हो जाएगा दहाई का निकटतन, निकटतन होगा, ठीक है। तो ये संख्या हुआ 36 और ये 28, और दहाई का निकटतन मतलब 36 किसके ज़्यादा करीब है, 40 के करीब है, और ये 28 किसके ज़्यादा करीब है, 30 के करीब है, ठीक है। यहाँ पास अब बीच की स्थिति आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसको घटाना शुरू करते हैं। आकलित अंतर सबसे पहले निकालेंगे हम लोग, आकलित अंतर, आकलित अंतर ये 40 और 30 को घटा देंगे, 40 और 30 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पास 10, और यहाँ पास वास्तविक अंतर कितना होगा, वास्तविक अंतर, वास्तविक अंतर में देखते हैं हम 36 और 28 को घटा देंगे, तो यहाँ 16 में से 8 गया, तो कितना बचेगा यहाँ 8, और ये ठीक है 2 2, ये 0 हो गए। तो देखिए इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंदर से अंतर सिर्फ 2 का डिफरेंस है, ठीक है। इस प्रकार ये दहाई का हुआ, दहाई का निकटतम वाला हुआ। अब सैकड़े का निकटतम वाला देखते हैं। अब यहाँ पास सैकड़े का निकटतम वाला देखेंगे, दूसरा हुआ 356 प्लस 125 है। पहले संख्या लिखेंगे हम यहाँ पास, संख्या, और यहाँ लिखेंगे सैकड़े का निकटतन, निकटतन लिखेंगे। संख्या लिख दिए हम यहाँ पास 356,
और ये 125, इसका निकटतम मान कितना हो जाएगा, 350 से 350 अधिक है तो ये हो जाएगा 400, और 125 है, 125 है तो ये हो जाएगा, ये 125 है, 50 से इसको फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हुआ। अब इसका आकलित अंतर और वास्तविक अंतर निकालना है, तो यहाँ पास लिखेंगे आकलित अंतर, आकलित अंतर यहाँ पास निकालना है हमें, तो ये 400 हुआ, और ये 100 को हम यहाँ घटा देंगे, 0 0, और यहाँ पास बचा 300, यहाँ पास कितना हुआ 300, 4 में से 1 गया। अब ये वास्तविक अंतर निकालेंगे, वास्तविक अंतर 356 और 125 हुआ, इसको घटा देंगे, 6 में से 5 गए 1, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, तो ये कितना हुआ, ये देखिए। अब इन दोनों का अंतर देखिए, ये 300 है ना, 300 या 231, तीन दोनों के अंदर बस थोड़ा ही अंतर है, इस प्रकार ये सैकड़े का निकटतम मान का अंतर निकल गया। अब चलिए देखते हैं हजार वाला, ये हुआ। ठीक है, ये अब ये सैकड़े का निकटतम मान, यहाँ पास सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संख्या, संख्या में क्या है 5680, और यहाँ पास लिखेंगे हजार का निकटतम, हजार का निकटतम, निकटतम अब इतना हुआ। अब यहाँ पास देखना है, अब इसका निकटतम मान कितना होगा 5680 का, तो इसमें 5500 से कंपेयर करना है, तो चूंकि ये 5500 से अधिक है तो ये किसके ज़्यादा करीब होगा, 6000 के करीब, और ये 3140 है तो मतलब ये 3000 के करीब होगा, 3000 के करीब हुआ। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है आकलित अंतर, आकलित अंतर 6000 में से 3000 को घटा देंगे, 0 0 0, और यहाँ पास हुआ 3000। अब यहाँ पास वास्तविक अंतर देखना है, वास्तविक अंतर, अब ये 5680 है और 3140 को घटा के देखते हैं हम, 0 उतर गया, 8 में से 4 गया 4, और 6 में से 1 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, तो देखिए दोनों का अंतर, दोनों का अंतर देखिए एकदम, ये 2000 है, ये 3540, एकदम आया अंतर। इस प्रकार से हम लोग निकटतम मान का जोड़ना और निकटतम मान का घटाना, दहाई सैकड़ा हजार वाला सीख गए हैं कि कैसे इनको जोड़ना और घटाना है, कैसे इनको इनका आकलित अंतर निकालना है, आकलित जोड़ना कैसे है, आकलित इसको घटाना कैसे है, आकलित इसकी वास्तविक संख्या कैसे। आई होप फ्रेंड्स, तो आपको इतना समझ में आया, इसमें हम लोग समझे हैं कि निकटतम मान कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका वास्तविक योग और अंतर क्या होगा, और आकलित योग और अंतर क्या होगा, हम इस वीडियो में सीख गए निकटतम मान से। आई होप आपको समझ में आया, कुछ भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे गणित से रिलेटेड वीडियो आपके सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट गुणा और भाग वाले, निकटतम मान के गुणा और भाग वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।